नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले से पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक ओर इमरान खान आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची गई, वहीं पाकिस्तान सरकार इमरान पर देश में अशांति भड़काने का आरोप लगा रही है। इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान किया है, तो सरकार का कहना है कि अशांति फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान पर हुए हमले के विरोध में पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में जिस तरह इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसने देश में तनाव बढ़ा दिया है। पूरी दुनिया की नज़रें इस समय पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि यह पहले से ही असुरक्षित मुल्क माना जाता है। भारत सरकार भी पाकिस्तान की स्थिति पर नज़र रखे हुए है। हम आपको बता दें कि इमरान खान ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृहमंत्री और सेना के एक जनरल ने उनकी हत्या की कोशिश की नाकाम साजिश रची। इमरान के करीबी सहयोगी असद उमर ने एक वीडियो बयान जारी कर यह आरोप लगाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के वरिष्ठ नेता असद उमर ने एक वीडियो बयान में कहा है कि पार्टी अध्यक्ष इमरान खान ने 3 संदिग्धों का नाम लिया है जो हमले के पीछे हो सकते हैं। बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया, ये इन लोगों ने करवाया है, और मुतालबा ये है कि इन तीनों को अपने ओहदे से हटाया जाए, और अगर इनको अपने होदे से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्कगीर एहतजाज होगा, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे अमूमी हालात के साथ जब तक इन तीन लोगों को नहीं हटाया जाता। ये खान साहब ने पैगाम दिया है सारी कौम के सुनने के लिए, और इसके ऊपर जो है जाहिर है तमाम पार्टी के वर्कर्स और जो लोग भी हैं वो इंतजार करेंगे। जिस दिन भी या जिस वक्त भी खान साहब ये कॉल देते हैं इस एहतजाज की, तो फिर मुल्क भर में एक एहतजाज शुरू हो जाएगा। अगर जो खान साहब ने मुतालबा किया उसको पूरा नहीं किया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो जालमाना, बुजदिलाना, वहशियाना जो आज अटैक किया गया, कातलाना हमला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर और उनके साथियों पर, जिसकी मिसाल शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। खान साहब ने थोड़ी देर पहले जो कहा है, हम इन तीनों अफराद के ऊपर FIR रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, और मुतलका IG को FIR के लिए हम अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इन तीनों अफराद के ऊपर जो है वो FIR रजिस्टर होगी, और वजीर अला पंजाब ने कहा है कि हम JIT बनाएंगे और उसके हवाले से जो भी है इन्वेस्टिगेशन वो सारी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बुजदिलाना जो हरकत की गई है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इसके साथ साथ हम अगली कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब जो कॉल देंगे उसके मुताबिक फिर उनके जो वर्कर्स हैं जो उनसे प्यार करते हैं, इंशाल्लाह उसके मुताबिक चीजें हम करेंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार जांच में हर तरह का सहयोग देने को तैयार है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने पंजाब प्रांत की सरकार से कहा है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या के प्रयास के संबंध में तथ्यों को सामने लाने के लिए एक उच्च स्तरीय संयुक्त जांच दल का गठन करे। गृहमंत्री ने सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने हमलावर के कबूलनामे का वीडियो सार्वजनिक होने का जिम्मेदार भी प्रांतीय सरकार को ठहराया है। राणा सनाउल्लाह ने बिना किसी सबूत के इस घटना के लिए सरकार और सेना के शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए PTI नेता असद उमर और शिरीन मजारी की आलोचना भी की है। उन्होंने लोगों को विपक्षी नेताओं के घरों पर हमले के लिए उकसाने के वास्ते PTI नेता फवाद चौधरी की भी निंदा की। गृहमंत्री ने कहा, आप भी आसमान में नहीं रहते हो, यदि आप हिंसा करते हो तो आपकी लगाई आग आपको भी चपेट में ले लेगी। हम आपको बता दें कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब प्रांत में सत्तारूढ़ पार्टी है, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाला गठबंधन संघीय सरकार यानी पाकिस्तान की केंद्र सरकार का संचालन कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के बाद संदिग्ध हमलावर का इकबालिया वीडियो बयान सार्वजनिक करने के आरोप में पुलिसकर्मी समेत अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। खबर के अनुसार इलाही ने पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक को गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। संदिग्ध के कबूलनामे के लीक होने के बाद थाना प्रभारी और संबंधित पुलिस थाने के अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि थाने के कर्मचारियों के सभी मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भेजा जाएगा। इलाही ने संदिग्ध हमलावर का इकबालिया वीडियो बयान सार्वजनिक होने की घटना की जाँच के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक पंजाब को इमरान खान पर हुए हमले के कारणों की पड़ताल करने के मकसद से जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें कि इमरान खान पर हमला करने वाले की पहचान नावेद के रूप में हुई है। आइए आपको दिखाते हैं उसने अपने कबूलनामे में क्या कहा है। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर टैक लगा के शोर कर। नहीं ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची है। जिसने से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है? नहीं तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक ले। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉपिंग। मामू तुम्हारा क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की दुकान है शॉपिंग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।